आपने क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में तो सुना ही होगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि दिमाग को शेक कर देता है। क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे दो चीज आपस में इंटेंगल्ड हो जाती है, यानी यूनिवर्स के एक कोने में मौजूद एक पार्टिकल और यूनिवर्स के दूसरे कोने में मौजूद दूसरा पार्टिकल अगर इंटेंगल्ड हो गया तो फिर इसका मतलब वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कई विचारकों के द्वारा कि इस यूनिवर्स में एक चीज जो कि पूरे ब्रह्मांड को बांधे रखी है वो लव है, लव और कुछ नहीं। तो एक्चुअली में यहाँ पे फैक्ट ये है कि अगर दो एलिमेंट्री पार्टिकल आपस में इंटेंगल हो जाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार दो इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को कैप्चर किया। आई नो इसका क्वालिटी बहुत खराब है लेकिन ये एक ब्रेक थ्रू है साइंस में। इससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स को भी अपने स्क्रीन में देख सकते हो। एडवांस्ड कैमरा टेक्नोलॉजी के जरिए इसको कैप्चर किया गया। ये कुछ यिन यांग का जो साइन होता है वैसा टाइप का कुछ लग रहा है ये। मतलब देखो स्पिरिचुअलिटी जो है वो किस तरह से कनेक्टेड है विज्ञान से। इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने भी कहा है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में पूरा यकीन करता हूँ। मतलब अगर वो विज्ञान के लिए काम कर रहे हैं और चंद्रयान जैसे प्रोजेक्ट को वो अपने टीम मेंबर्स के मदद से सक्सेसफुल किए हैं तो वो विज्ञान के दम पर देश का नाम तो रोशन कर रहे हैं, लेकिन उनके भी माइंड में डीप में कहीं ना कहीं है कि विज्ञान जो है वो एक लिमिटेड स्तर तक ही काम आती है। और जो बियॉन्ड वाली अनरियलिस्टिक बात है ना कि इस यूनिवर्स के बियॉन्ड भी कुछ है जो कि नॉर्मली किसी को उतना सेंस नहीं बनाएगा अनलेस यू आर अ डीप थिंकर, तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये कहीं ना कहीं है यानी एग्जिस्ट करती है। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। क्या आपने कभी वेल ट्रैवल्ड रोड इफेक्ट के बारे में सुना है? ये एक कॉग्निटिव बायस होता है, यानी कि ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो कि एक ही रास्ते से गाड़ी को लेके लगातार बहुत दिन तक जाते आते हैं। मान लो आपको किसी प्लेस पर जाना है जिसका नाम है एक्स और उसके तीन रास्ते हैं ए बी सी और वो इंसान बी वाले रास्ते पर हजार बार आ जा चुका है, तो भले ही ए या फिर सी छोटा रास्ता हो, अच्छा रास्ता हो या फिर इफिशियंट रास्ता हो, फिर भी वो बी को ही चुनेगा क्योंकि यहाँ पर वेल ट्रैवल्ड रोड इफेक्ट, ये जो कॉग्निटिव बायस है वो काम कर रहा है। एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें जो फेमिलियर रूट्स होते हैं वही हमें अच्छे लगते हैं चाहे बाकी रूट्स कैसे भी हो, कम टाइम भी ले, पैसे की बचत हो, लेकिन फिर भी वो चीज हमारे दिमाग में हार्ड वायर्ड हो जाती है, इसलिए ये चीज होती है। और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वेल ट्रैवल्ड रोड इफेक्ट। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। पहले आप ये आर्टिकल देखो, डीप माइंड AI फाइंड्स अ न्यू वे टू मल्टीप्लाई नंबर्स एंड स्पीड अप कंप्यूटर्स। मतलब AI जो है ये दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसे कि एक होता है ना कि एक नॉर्मल सा एक्सपेक्टेड ग्रोथ होता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब ये चीज कहां तक जाएगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कैलकुलेशंस के जरिए। तो AI ऐसे ऐसी चीजें कर रही है। AI एक AI एल्गोरिदम से बनता है, कई एल्गोरिदम आपस में काम कर रहे होते हैं तो एक ब्रेन की तरह वो आउटपुट दे रहा होता है जिसको कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये खुद एल्गोरिदम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना सकते हैं। यानी ऐसा वक्त करीब आ रहा है जब एक AI दूसरे AI को मैन्युफैक्चर कर पाएगा, क्योंकि AI क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ वेरी 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 कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, इसी को AI कहते हैं। तो वो एल्गोरिदम अपना एक नया एल्गोरिदम भी बना सकते हैं, तो ये है AI का खतरा। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। क्या आपने कभी क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में सुना है? देखो, क्वांटम कंप्यूटर सुन के सबसे पहले मन में ये आएगा कि काश मेरे घर में क्वांटम कंप्यूटर होता। तो बात तो सही है क्योंकि ये सुनने में तो बहुत कूल लग रहा है क्वांटम कंप्यूटर, लेकिन ये एक्चुअली में जितना आप सोचते हो उससे ज्यादा कूल चीज है। क्वांटम कंप्यूटर एक्चुअली में नॉर्मल सुपर कंप्यूटर से भी 1000 times ज्यादा पावरफुल होती है। एक आइडिया लगे, एक रेफरेंस मिले आपको इसके लिए, मान लो नॉर्मल कंप्यूटर जो आपके घर में है, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, उसको 1 मान के चलो, उसका पावर 1 है। तो जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स जो कि वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं और बाकी कॉम्प्लेक्स चीजों को करते हैं, एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं, वो सब आपके कंप्यूटर से 1,00,000 times ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक रेफरेंस के लिए आपको एक
आइडिया लगे इसके लिए ये आप जान लो। तो सुपर कंप्यूटर का 1,00,000 पावर होता है, तो कंपेयर करें तो एक क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी 1,000 times ज्यादा पावरफुल होता है। और गूगल जैसी जो महाशक्ति वाली कंपनीज हैं, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च पे ही स्पेंड कर सकती है, वो एक्चुअली में इस पे काम कर रही है और इसको डेवलप कर रही है। और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी इस पे काम कर रही है। तो क्योंकि अब माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऐसी कंपनीज का टाई अप बहुत सारी इंडियन कंपनीज के साथ भी हो रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया में भी बहुत जल्दी हमें क्वांटम कंप्यूटर्स देखने मिलेंगे। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। थॉमस जेफरसन, जो कि 3rd US प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बात कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हर कॉन्स्टिट्यूशन उनके हिसाब से हर 19 साल में एक्सपायर होना चाहिए। अगर 19 साल से ज्यादा रहे एक संविधान तो वो अभी के जेनरेशन के लायक नहीं होता, वो अभी के टाइम के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। तो क्या आप इस चीज पर मानते हो? आपका अपना थॉट हो सकता है, ऑफ कोर्स, लेकिन थॉमस जेफरसन ये मानते थे। और मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो जो संविधान लिखते हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत चीजों को सोचकर लिखे हैं संविधान को, लेकिन जरूरत पड़े और पब्लिक इंटरेस्ट में हो, और या फिर आप कह सकते हो पूरे नेशन के हित में हो, तो संविधान में चेंजेस होने चाहिए। 19 साल में, हर 19 साल में अपडेट होना चाहिए ये नहीं पता, लेकिन फिर भी होना चाहिए। और थॉमस जेफरसन जो है ये बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड पर्सन थे। इनका जन्म 13 अप्रैल 1743 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1826। US के 3rd प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। क्या आपको पता है एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन जो है, यानी जो बहुत ज्यादा मात्रा में कॉफी पीते हैं, उनके अंदर एंग्जाइटी और बाकी जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है वो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो क्या है कि कैफीन जो है वो आपके नींद को फील नहीं होने देता है। जैसे कि आपका शरीर है, आपको कहीं चोट लगा और आपको वहां दर्द दे रहा है और आप पेन किलर खा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द चला गया है, वो दर्द आपके दिमाग में नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि पेन किलर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। ऐसी सिंपल वर्किंग होता है पेन किलर्स का। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका जहाँ चोट लगा वो पूरी तरह से हील हो गया। तो आपको नींद आ रहा है और आप कॉफी पी रहे हो, तो आप देखोगे 15-20 मिनट में आपको नींद उतना नहीं आएगा, नींद काइंड ऑफ भाग जाएगा। आपको लगेगा नॉर्मल फील हो रहा है, कॉफी तो अच्छा काम किया, नींद तो मेरा भाग गया। और आधे घंटे बाद देखोगे आप बहुत फ्रेश फील करोगे, लेकिन वो फ्रेश फील करना एक्चुअली में रियल नहीं होती है। आपका ब्रेन उतना ही टायर्ड रहता है, उसको रिकवरी की तब भी उतनी ही जरूरत है, लेकिन आपको कॉफी वो फील नहीं होने देता है। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ, शॉर्ट टर्म में कभी कभी आपको एनर्जी की नीड है, तो उस एंगल से कभी कभार के लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है आपको। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ये अगर एक हैबिट बन जाए तब ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। और कुछ लोगों की कॉफी पीने की दिन भर आदत रहती है, उन लोगों को ज्यादा एंग्जाइटी भी होती है। ये चीज आप नोटिस करना लोगों में, और आपको दिख भी जाएगा। कॉफी एक स्टिमुलेंट है, ये मत भूलना। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। इस दुनिया में एक ऐसा ट्राइबल ग्रुप है जो कि दिन में 8-8 घंटे पानी में तैरते हुए और पानी के नीचे अंडरग्राउंड में बिताता है। बजाऊ ट्राइब कहते हैं इन्हें। ये लगभग अपना 60% ऑफ द टाइम दिन का अंडर वाटर रहते हैं। और ये जो बजाऊ ट्राइब्स है ना, ये जाने ही जाते हैं ऐसे जेनेटिक्स के लिए जो कि अंडर वाटर में इनको बहुत देर तक सांस रोकने में मदद करता है। जैसे नॉर्मल आदमी जितने देर सांस रोक लेगा उससे डबल या ट्रिपल ये रोक पाते हैं, लगभग 3-4 मिनट। और क्योंकि ये ट्राइब लाखों सालों से है, लाखों सालों का इतिहास है इनका, तो इनका बॉडी और जो ब्लड है देखा जाए तो इतने सालों के एवोल्यूशन से वैसा अडैप्ट कर गया है। और ये ऐसे ट्राइब्स होते हैं जो कि पानी में ही होते हैं। इनका घर जो है वो समुद्र के किनारे पानी में ही बना रहता है, और ये लैंड के ऊपर रेयरली ही कदम रखते हैं। और ये मछलियों को मारकर अपना पेट पालते हैं, और इनके पास कोई पैसा का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, नो मनी। और आप पूछोगे पैसा का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये जीते फिर अपना लाइफ कैसे जीते हैं? देखो क्या है कि अगर आपके पास सर्वाइवल की चीजें हो तो देखा जाए तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपको रैंडमली जंगल के बीच में छोड़ दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, तो अगर आपके पास फल फ्रूट वाले पेड़ है, जंगल में खाना बहुत है, तो आप खत्म तो थोड़ी हो जाओगे। आप खा के टेक्निकली, मतलब ऐसे फैसिलिटीज की बात नहीं कर रहा, टेक्निकली आप फल खा के भी जी लोगे। बस खाना है, निकाल देना है, यही लूप चलते रहेगा और आप जिंदा रहोगे। तो इनका यही कंसेप्ट है। अगर इनके पास अनलिमिटेड फिशेस हैं, यानी अनलिमिटेड मछलियां हैं, तो इनको पैसे की कोई जरूरत नहीं। अगर ये
बाहरी दुनिया के टच में नहीं है तो दुनिया के सबसे यूनिक ट्राइबल पीपल में से एक है ये द बजाओ। और ये कहाँ पाए जाते हैं, अगर ये आपका सवाल है तो इसका आंसर ये है कि ये कोस्टल रीजन्स में पाए जाते हैं। कहाँ के कोस्टल रीजन्स? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। क्या आपको पता है कि कई सर्वेज में ये पता चला है कि जो जॉय हम रिसीव करते हैं किसी भी चीज से, जैसे कि अगर हम कोई चीज किसी को देते हैं तो उसको जॉय मिलती है, कुछ हमें मिलता है जैसे गिफ्ट वगैरह तो हमको जॉय यानी मजा आता है, तो ये जो जॉय होता है इन दोनों टाइप के जॉय में से लॉन्ग लास्टिंग कौन सा है? आप ये बताओ, द जॉय फ्रॉम गिविंग ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा या फिर द जॉय फ्रॉम रिसीविंग ये लॉन्ग लास्टिंग होगा? तो एक्चुअली में इसका आंसर है द जॉय फ्रॉम गिविंग। जी हाँ, ये भले आप बाद में कभी एक्सपीरियंस करो लेकिन यही आंसर है कि जो कुछ देने के बाद खुशी मिलती है, किसी को कुछ प्रोवाइड करने के बाद, वो लॉन्गर एक सटल तरीके से उसकी हैप्पीनेस आपके मन में रहती है। लेकिन कुछ पाने की खुशी एक इंस्टेंट डोपामिन की तरह होती है जो कि हमें एक दो महीने के लिए मजा देगा, उसके बाद फिर खत्म। तो ये एक कॉमन एक्सपीरियंस भी हुआ, लेकिन अगर आप टेक्निकल रिसर्चेस को देखोगे डोपामिन लेवल्स के तो आपको यही पता चलेगा कि जो गिविंग वाला जॉय है वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। दैट्स गजब। चलिए जानते हैं अगली इंटरेस्टिंग जानकारी को। रेसिडेंट एविल 5 इस मूवी में सेट पर एक दुर्घटना हो गई थी और 16 लोग इंजर्ड हो गए थे सेट टूटने के चलते, और उसके बाद तुरंत वहां पर फर्स्ट रेस्पोंडर्स आए यानी सबको रेस्क्यू करने आए रेस्क्यू वाले लोग। लेकिन आपको पता है रेसिडेंट इविल मूवी में 16 एक्टर्स जो कि जॉम्बी की तरह सजे हुए थे, मेकअप लगाए हुए थे, जब वो प्लेटफॉर्म टूटा और वो गिरे और ये हादसा हुआ तो वो रेस्क्यू वाले लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहां पर फर्स्ट एड लगाएं और कौन सा घाव नकली है और कौन सा असली है, क्योंकि स्किन पे जो मेकअप चिपका हुआ होता है उसको केमिकल्स के द्वारा वापस निकाला जाता है, वो मेकअप्स बहुत हार्ड होते हैं तो उनको तो इंस्टेंटली ठीक करना है ना, तो इसके लिए उनको समझ नहीं आ रहा था, उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि कहां पर एक्चुअल में घाव है और कौन नकली घाव है। ये बहुत ही एक अजीब सी एक वियर्ड सिचुएशन उस सेट पर हुई थी। फाइनली जल्दी से मेकअप हटाकर सबको अच्छे से इंस्पेक्ट किया गया, लेकिन लगभग आधे घंटे तक कुछ भी नहीं किया जा रहा था उस मेकअप के चलते। मतलब अजीब चीज है, चोट लगा और वहां पे कौन खून असली है समझ कहां से आएगा, क्योंकि वो मेकअप और बाकी जॉम्बी का लुक ही इतना रियलिस्टिक होता है। तो ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।